हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आशा लाइफस्टाइल। आज मैं शेयर करूंगी आप लोग के साथ सेकंड मोदक रेसिपी। और ये मोदक स्पेशल है बिकॉज़ ये मोदक नो फायर मोदक है। इसमें हमें गैस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिना गैस के हम बहुत ही अच्छा सा मोदक बनाएंगे। और इसमें हमें ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और बस 3 इंग्रेडिएंट्स से हम फटाफट से अच्छा सा मोदक बना लेंगे। और इस मोदक का नाम है चॉकलेट मोदक। आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। सो चलिए हम रेसिपी शेयर करते हैं। सो यहाँ पे हमने ले लिया है ओरियो बिस्किट। आप कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैंने वनीला फ्लेवर वाला ओरियो बिस्किट लिया है, बट मैं यहाँ पर 2 पैकेट नहीं यूज़ करूँगी, सिर्फ एक ही पैकेट यूज़ करूँगा बिकॉज हमारे घर पर काफ़ी मोदक बन के रखे हुए हैं। सो आप अगर चाहें, आपको ज़्यादा बनाना है, आपके मेंबर ज़्यादा है, तो आप 2 पैकेट उससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे 1 पैकेट निकाल लिया है एक बाउल में। और अब हमें इसकी व्हाइट क्रीम अलग बाउल में कर देनी है और इसके जो बिस्किट्स हैं वो अलग बाउल में रखने हैं। सो ये दोनों अलग अलग चीज़ हो गई बिकॉज हमें एक से फिलिंग बनानी है और एक से हमें बाहर का मोदक बेस बनाना है। सो ये हमने बिस्किट को दूध से थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए साइड में रख दिया है। और अब यहाँ पे हम एक बाउल में जो क्रीम अंदर की ली थी उसमें हमने थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल दिया है और 2 से 3 चम्मच दूध, अगर लगता है उतना ही, ज़्यादा नहीं डालना है बिकॉज अंदर का फिलिंग गीला हो जाएगा। सो हमें इतना ही डालना है जितना वो फिलिंग अच्छा परफेक्ट बन जाए। सो हमारा यहाँ पर बिस्किट भी सॉफ्ट हो गया था, तो हमने उसका डो बना लिया है। और अब मोदक के जो सांचे होते हैं उसकी मदद से हम फटाफट से मोदक को शेप दे देंगे। सो यहाँ पे हमने ले लिया ओरियो बिस्किट का बाहर ये बेस बनाने के लिए, और ये जो हमने क्रीम और नारियल का फिलिंग किया था, बनाया था, वो हम उसको फिल कर लेंगे बीच में और बस शेप दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा मोदक बन के रेडी हो जाएगा अब। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ओपन किया और आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस मोदक बन चुका है। बस हमें इसी तरीके से सारे मोदक अब बना लेने हैं। और मैंने 1 पैकेट यूज़ किया इसलिए मेरा ज़्यादा मोदक नहीं बने और दूसरा हमारे यहाँ कोई खाएगा नहीं। बट अगर आपको अच्छा लगता है, आपके यहाँ मेम्बर ज़्यादा हैं, तो आप ज़्यादा पैकेट बिस्किट यूज़ करेंगे और फटाफट से बिना गैस के बहुत ही अच्छा सा आप गणेश जी के लिए मोदक बना सकते हैं। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मिलते हैं ऐसे ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।